રામ મંદિરમાં ગુલાબી પથ્થરો લગાવવામાં આવશે અને આ માટે ગુલાબી પથ્થરો મિર્ઝાપુરથી અયોધ્યા લાવવામાં આવ્યા છે ત્યારે અયોધ્યાના સંતોએ ટ્રકનો સ્વાગત કર્યો હતો મંદિરના પાયામાં ગુલાબી પથ્થરનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે અયોધ્યા મેં ભગવાન શ્રી રામ કે ભવ મંદિર કા નિર્માણ જોરો પર હે યે રામ જન્મભૂમિ પરિસર કા રાસ્તા હે ઓર યહાં સે હી સારે સામાન જો હે વો અંદર પ્રવેશ કર રહે હે વો સારી ચીઝે અંદર પહોંચ રહી હે યે અભી એક પથ્થર કી ખેપ આઈ હે જો મિર્ઝાપુર સે આઈ હે ये बलुआ पत्थर है और इन पत्थरों का इस्तेमाल जो न्यू भराई हो रही है जो न्यू है उसमें रखा जाएगा यानी उसकी मजबूती के लिए है और जो न्यू जो करीब 12 लेयर बनकर तैयार है उसके ऊपर इन पत्थरों का इस्तेमाल होगा और न्यू को मजबूती दी जाएगी। ये पत्थर मिर्ज़ापुर से आ रहा है, हालांकि राजस्थान से भी पत्थरों की खेप आने वाली है जो पिंक पत्थर होगा, लेकिन ये बेहद ख़ास पत्थर है, इसकी पूजा अर्चना हुई है। मैं आगे चलकर दिखाऊंगा आपको कि कितना पत्थर आया है और सबसे खास चीज़ ये है कि इन पत्थरों को जो यहाँ पर लाया गया है इनको लॉर्सन टर्बो जो कार्यदायी संस्था है उसने यहाँ मंगाया है। ट्रस्ट के लोगों ने लगातार कोशिश की है कि अयोध्या का ये जो मंदिर बन रहा है वो इतना भव्य हो, इतना सुंदर हो कि देखने वाले देखते रह जाएँ और उसकी भव्यता के साथ साथ उसकी मजबूती बेहद ख़ास होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो यही के लोग चाहते हैं, राम भक्त चाहते हैं, जस चाहता है, विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि ये अयोध्या का बनने वाला भव्य राम मंदिर इतना मजबूत और टिकाऊ हो कि आंधी तूफान में भी कहीं कोई फर्क ना पड़े, और इसी के लिए लगातार उन सारी टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रक जो अयोध्या में जो पहुँचा हुआ है, जो इसकी खेप पहुँची है वो यही ट्रक है, और इस ट्रक से ये सारी सामान पहुँचे हैं, पत्थरों की खेप पहुँची है। ये मिर्ज़ापुर से है और हमारे साथ रमेश दास जी है जो हनुमानगढ़ी के पुजारी है। रमेश दास जी, इसका स्वागत भी हुआ है, आप लोगों ने स्वागत किया है, और इन पत्थरों का इस्तेमाल किस तरीके से होगा? अब अभी तो पहला खेप मिर्ज़ापुर से पत्थर आया है, ये मजबूती पत्थर होने के लिए फेस्टिवालों ने और राम भक्तों ने इसको चिन्हित करके मंगाया गया है, और पत्थर अंदर जाएंगे, राम मंदिर भव्य बनेगा और इसका पूजन अर्चन किया गया, इनका जो है पत्थरों का स्वागत किया गया, और मीडिया प्रभारी शरद शर्मा भी मौजूद रहे, संत महंत पूज्य राम भक्त सभी रहे। कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग अब वो जो संघर्ष था इतने सालों का उसके बाद अब मंदिर का निर्माण हो रहा है और आप लोग अपने हाथों से, आज वो कितना खूबसूरत पल था जब आप लोगों ने इन पत्थरों को जो है उनका स्वागत किया और उन पूजा अर्चना की। बहुत खुश है पूरे राम भक्त, करोड़ों राम भक्त खुश हैं पूरे देश के, कोई ऐसा नहीं है कि राम मंदिर ना बने, सारे भक्त जितने भी करोड़ों भक्त भक्त जब नहीं रहते इतना राम मंदिर के लिए चंदा कहाँ से आता, इतने खुश हैं भगवान राम का भव्य मंदिर बने, भगवान राम का मंदिर के लिए लाखों आदमी ने चंदा करके इतना वो किया गया है कि भव्य मंदिर तीन तल्ला चार जितना भी बन सके, राम भक्त पिछड़ने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर हर किसी में ये उत्साह है इस बात को लेकर, और हर कोई ये चाहता है कि अयोध्या का ये मंदिर भव्य हो, सुंदर हो और इतना मजबूत हो कि आंधी तूफान में भी इस पर कोई असर ना पड़े, और इसी के लिए उन सारी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप देखिए, ये जो मार्ग देख रहे हैं ये सीधे राम जन्मभूमि परिसर के लिए जाता है, और जो बड़ी बड़ी मशीनें अंदर जा रही है, जो सामान जा रहे हैं इसी प्रवेश द्वार से होकर जा रही है, और ये सारी जो चाहे पत्थर हो या फिर और बाकी सारी मशीनें हैं या फिर कंक्रीट, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल मंदिर के निर्माण में हो रहा है, और ये राम जन्मभूमि का परिसर है और यहीं से ये सारे सामान अंदर जा रहे हैं, और बहुत जल्द लोगों को उम्मीद है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा, क्योंकि लगातार ट्रस्ट जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से इसका पूरा योगदान रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर अयोध्यावासी गदगद हैं और हर कोई इस बात को लेकर गदगद है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बहुत जल्द मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या।